hope you all are doing well. Welcome to my channel, The Wings Club. मेरा नाम है वितिका and today in this video I'm gonna try four different foundations of different brands which are under 150 rupees only. Yes, they are gonna be very cheap foundations. So I'm gonna try them and show you guys which ones work, which ones won't work. So without any further ado, let's get into the video. So this is how my skin looks like right now. I haven't applied any foundation or anything. I'm just gonna moisturize my skin and then show you guys how these foundations work on my skin. So let me moisturize my skin first. So the first foundation that I'm gonna try is from Joy 24 Karat Gold Makeup Foundation. It says SPF 15 Spotless Radiant Oil Free Moisturization. मैंने काफ़ी पहले लिया था और इसको दो तीन बार ही यूज़ किया है, तो आई एम गोना शो यू कि हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्किन. इट इज़ अ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन. सो हेयर इज़ द फाउंडेशन. So this is how my skin looks like after using this foundation. This foundation retails for 125 rupees and it claims that it has SPF 15. तो वो अच्छी बात है. Second thing, oil free moisturization. तो my skin doesn't feel oily. And the third thing that it gives a very light coverage. As you can see कि अभी ज़्यादा कुछ cover नहीं हुआ है, बहुत light coverage दे रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर कॉलेज और ऑफिस गोइंग गर्ल्स जिनको ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की आदत नहीं है या ज़्यादा फुल कवरेज वाले फाउंडेशन यूज़ नहीं करने. दे कैन यूज़ इट बट देर आर नो अदर शेड्स इन दिस फाउंडेशन. आई गेस देर आर ओनली टू शेड्स इन दिस फाउंडेशन और अ सिंगल शेड. आई विल मैंशन इन द वीडियो कि कितने शेड्स हैं आफ्टर चेकिंग ऑन नायका. आई ऑर्डर इट फ्रॉम नायका and it retails for 25 rupees as I have mentioned earlier. So I think 125 rupees mein this is a good foundation, not a very good foundation but a good foundation. If you are looking for something very affordable then you can go for it. I'm just gonna clean my face to use another foundation. So the next foundation that I'm gonna use is from Blue Heaven and the shade is cream beige and it retails for 75 rupees only. So basically this is the cheapest foundation or among all the foundations that I'm gonna show you. It claims that it has sunscreen plus it gives a matte finish. Let's see how it works on my skin. I've just bought it from a shop. So it has this spatula sort of thing. इसको पता नहीं क्या बोलेंगे because it's not a brush, it's a spatula. Like अगर ये ज़्यादा तेज़ यूज़ किया तो शायद स्किन भी छिल सकती है. तो सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स लाइक आफ्टर यूजिंग दिस फाउंडेशन विच इज़ अ टोटल डिजास्टर बिकॉज माई स्किन लुक्स सो ऑरेंज जस्ट लाइक द कुशन्स बिहाइंड मी. तो और ये ब्लेंड भी नहीं हो रहा था एंड स्किन लुक्स सो पैची. अभी मैं जूम इन करके दिखा दूंगी कि पैची कितनी लग रही है स्किन. एंड इट क्लेम्स दैट इट हैज सनस्क्रीन प्लस मैट फिनिश बट आई डोंट वॉन्ट अ मैट फिनिश लाइक दिस. इट लुक्स वेरी हॉरेबल. सो आई वुड नेवर रिकमेंड दिस टू एनी वन. मतलब 75 रुपीज़ का है, ज़्यादा नहीं है बट आई डोंट थिंक कि अगर आप ले भी लोगे तो यूज़ करोगे बिकॉज आई विल नॉट यूज़ इट. आई विल प्रोबेबली थ्रो इट. आई कैन यूज़ दिस इन वीडियोज़ क्योंकि वीडियोज़ में इतना फिर भी विजिबल नहीं होता बट ऐसे मैं यूज़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकती. इट विल लुक रियली बैड. सो आई विल नेवर रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एनी वन. इट्स अ वेरी बैड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. प्लस इसमें शेड्स भी नहीं है ज़्यादा, दो या तीन शेड्स हैं और वो शेड भी मैच नहीं कर रहा मेरी स्किन से. तो आई डोंट थिंक कि ये चलेगा फाउंडेशन एंड इट्स नॉट एट ऑल गुड. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाउंडेशन विच इज़ स्टे क्वालिटी लिक्विड फाउंडेशन. तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ किया है. इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वॉच माई मेकअप वीडियो बिकॉज आई एम हाईली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डू अपलोड 4 or 5 videos every week. So go watch it. And ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है अपने videos में जैसे कि मैंने बताया. And I really like this foundation. It's for I think 165 rupees but I am doing a 150 rupees video.
चलता है इतना तो. सो दिस इज फ्रॉम स्टे कोर्की एंड इट क्लेम्स दैट इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट, ब्लेंड्स एफर्टलेसली, लाइट वेट. येस इट इज़ अ वेरी लाइट वेट फाउंडेशन एंड नाउ आई एम गोना यूज इट एंड शो यू गाइज हाउ इट वर्क्स ऑन माई. So after using Stay Quirky liquid foundation, this is how my skin looks like. So the first point is that it is very very lightweight, heavy nahi lagti skin pe. That is the plus point of this foundation, and it is giving a light to medium coverage to the skin, like as compared to other foundations. Ye thoda zyada coverage de raha hai skin ko, so I think that is good. And the third thing is it has a pump in it, so you can just apply it very easily on your skin. Plus it is so affordable. So I think if you are a beginner, then this foundation is really good for you. If you don't want to invest much on makeup, then this is a really good foundation for you. Next up, I'm gonna try Lakme Perfecting Liquid Foundation. I think ki ye bahut logon ne use kiya hoga. आई थिंक कि हर किसी ने यूज़ किया होगा, हर लड़की ने यूज़ किया होगा जिसने भी मेकअप किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग यही खरीदते हैं, यही सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होता है यही फाउंडेशन, तो बहुत लोग यही खरीदते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्किन. सो आई एम डन अप्लाइंग दिस फाउंडेशन एंड मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है एंड इट गिव्स अ लाइट टू मीडियम कवरेज टू माई स्किन एंड इट फील्स वेरी लाइट, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है एंड ब्लेंड भी काफ़ी ईजिली हो जाता है. सो आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग अ फाउंडेशन फॉर योर कॉलेज और ऑफिस एंड अफोर्डेबल फाउंडेशन, देन यू कैन गो फॉर इट. इसमें ज़्यादा शेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है इसका. But it only retails for 110 rupees, so you can go for it. Because when I was a beginner, when I started doing makeup, I was only using two foundations. One was this Lakme Perfecting Foundation and second one this Stay Quirky one. So मैं काफ़ी affordable चीज़ें ही use करती थी तब, जो बहुत ज़्यादा मेरे budget में हो. So you can definitely go for it. So that's it for today's video. I hope you liked this video, and if you did, please do subscribe to my channel, like, share, comment, and share with your friends who love makeup, who love doing makeup or are beginners. So see you next time. Bye bye.